हाय हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, राम राम सभी को। आपका भाई उमा शंकर पूनिया एक बार फिर से आ गया। मेरे तो ब्लॉक है, मैं मतलब आज शूट करने का थोड़ा प्लान था और आज 26 जनवरी थी, तो मैं जो मेरे दोस्त हैं राजू राम जी डोडासरा, जो यहाँ के अध्यापक है, स्कूल में प्रिंसिपल है, और ये मुकेश जी, इनको तो आप जानते हो। हम मतलब क्रिकेट खेल रहे थे गाँव में, तो अचानक से हुआ क्या कि मेरा जो पैर है, मतलब अभी पैर दिखाऊंगा मैं आपको, जो मेरा पैर है वो मतलब फ्रैक्चर हो गया पूरी तरह से और बहुत भयंकर सोजन आ गया। तो अब ये दोनों भाई मेरे को छोड़ने जा रहे हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ कि यार दुआ करो कि मेरा पैर जल्दी से सही हो जाए, फिर हम लोग आप लोगों के लिए ना मतलब शानदार वीडियो बनाए। मैं आपको मेरा पैर दिखाता हूँ, देखना और दुआ करना भगवान से। देख लो यारो, अब तार भाई को पग टूट गया, तो यार भाई भगवान से दुआ करो कि जल्दी से जल्दी सही हो जाए। पूरा का पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया यार, दर्द बहुत हो रहा है यार। यार कोई प्यार से अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो भाई को दुआ करो यार, मतलब अगर कोई लड़की भी। समझ रहे हो ना तुम भाई की तकलीफ क्या है यार, मतलब समझ लो यार, बहुत भयंकर तकलीफ से गुजर रहा हूँ मैं। ये जो इंसान है ना, इधर आओ, इस इंसान ने मतलब ये मेरे परम मित्र है राजू राम जी डोडासरा, लेकिन इन्होंने मारी है ये भाई के बैट की मारी मारी, इनकी वजह से मेरा इतनी भयंकर चोट लगी है। दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पर ये झूठा अंजाम लगा रहे हैं उमा शंकर जी। मैंने बॉल को मिड ऑन की तरफ खेला तो ये कैच पकड़ने के लिए भागे और अचानक किया लड़खड़ाने की वजह से ये गिर गए और गिरने से इसके पैर में और पेट दोनों में चोट आ गई। तो यार गलती तो है ना, मतलब इनकी है ना, इन्होंने मिड ऑन की तरफ मारा, मैं तो अब कैच लेने, अब जो वो होता है ना खिलाड़ी फील्डर था तो कैच लेने की कोशिश की, लेकिन भाई इतने इनका शरीर देखो यार, शॉट भी इतने भयंकर मारते हैं ना, समझ से बाहर हो जाती है। अब सोचा कि इनको आउट कर देंगे तो मैच जीत जाएंगे, इनको आउट करने के चक्कर में मैं खुद ही आउट हो गया और मैच से ही बाहर। सुबह स्कूल में प्रोग्राम चल रहा था और मैं भी स्कूल चला गया था, शानदार प्रोग्राम चल रहा था भाई, बीच में आके गोचो करना बाहरी आदत है मेरे को क्रिकेट खेलना। मैंने कहा भाई मुझे ना शौक नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ घर। तो बोला ठीक है ब्लॉग शूट करेंगे, मैंने कहा ठीक है तैयार हो जा, तू थोड़ी देर क्रिकेट खेल ले, उसके बाद अपन चलेंगे और एक बार क्रिकेट खेल लो। तो कुछ स्कूल का स्टाफ था, कुछ स्टूडेंट थे, कुछ फ्रेंड भी थे, सारे इकट्ठे हो गए और वहाँ क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया। और भाई को कुछ ज्यादा ही है ना एनर्जी आ गई कैच लेने। अरे यार एनर्जी ऐसे इंसान को देख के आएगी ना, अब ये स्टाफ का बोल रहे हैं ये एक इंसान तीन जैसा है, इतना भयंकर तो वीरेंद्र सहवाग नहीं मारता जितना भयंकर ये मार रहे थे यार, तीन छक्के लगातार मारे। मैंने सोचा अब एक तो कैच आ जाए, कैच के चक्कर में पैर का कैच दे बेटा, बहुत बुरा हुआ यार। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।